हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। देखिए, हमने 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। 7.4 एक्सरसाइज, इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़े थे हमने, और बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़कर इन टाइप के क्वेश्चंस को किया था। एक टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे पार्शियल फ्रैक्शन, जो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं, उसमें थोड़ी काम आएगी, उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि यदि ऊपर लीनियर इक्वेशन है और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्या लेट करते हैं, ठीक है, लेट करते हैं न्यूमरेटर को इस तरीके से, और ए और बी की वैल्यू निकाल कर इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक खास बात क्या है कि यहाँ इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना है। जब यदि इसके फैक्टर्स हो जाएं तो हम दूसरा मेथड लगाएंगे। आज इस मेथड को पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें कुछ फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये मेथड किस क्वेश्चंस में लगेगा और स्टैंडर्ड फॉर्मूला किस क्वेश्चन में लगेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है। तो बताना चाहता हूं कि जहां पर भी रूट आ जाए वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, और जहां रूट नहीं है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चाहे क्यूबिक इक्वेशन है, उनके फैक्टर्स हो रहे हैं, तो हम क्या लगा देंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। बात समझ में आई आपको? जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, कुछ भी है, जहां फैक्टर नहीं हो रहे हैं, जहां रूट है, वहां पर हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएंगे, और जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वहाँ के फैक्टर्स हो रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन है उसके फैक्टर्स हो रहे हैं और विदाउट रूट है, तो हम क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ फॉर्म्स हैं, तो मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट फॉर्म, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, ठीक है। पहली फॉर्म क्या है, देखिए पहली फॉर्म है, यदि आपके पास इंटीग्रेशन ऐसा हो, ऊपर कुछ भी नहीं है, dx है, ठीक है, और नीचे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ पर माइनस भी आ सकता है, इस प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, इस प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है, और इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, लेट करेंगे पूरा का पूरा, वन अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को हम लेट करेंगे, ए डिवाइड बाय एक्स प्लस ए और प्लस बी डिवाइड बाय, ठीक है, एक्स प्लस बी। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी, ए एंड बी आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, इनकी वैल्यू हम निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाकर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हो जाएं तो हम इसका उसमें कौन सा यूज़ करेंगे मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। यदि आपके पास ऐसा हो, सेकंड फॉर्म, यदि आपके पास ए एक्स प्लस बी डी एक्स अपॉन यहाँ पर हो एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू, यहाँ माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स भी हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे पूरा का पूरा, दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू, हम लेट करेंगे ए डिवाइड बाय एक्स माइनस पी इंटू प्लस बी अपॉन एक्स माइनस क्यू। यहाँ पर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है, और इसमें पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दो फॉर्म आपको समझ में आ गई है। अब देखिए तीसरी फॉर्म इस तरीके से हो, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यदि ऐसा हो कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन यहाँ हो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी हो, इस टाइप की फॉर्म है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें लेट करेंगे, लेट करेंगे वन अपॉन
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, ये होगा ए अपॉन एक्स माइनस ए और बी अपॉन एक्स माइनस, यहाँ पर होल स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर सिंगल रखते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी अपॉन एक्स प्लस बी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि जितने ऑर्डर की इक्वेशन है, जितनी डिग्री की इक्वेशन है, उतने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम इस तरीके से लिखेंगे। देखिए ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, तो ऊपर न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आ सकता है, ठीक है। तो ये फोर्थ फॉर्म में इस तरीके से लिखूंगा कि यदि आपके पास यहाँ आ जाए मैक्सिमम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन डी एक्स अपॉन यहाँ आ जाए हमारे पास एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस क्यू, एक्स प्लस क्यू क्यू आ जाए, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको लेट करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर और कितना जाएगा इंटू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू, हम लेट करेंगे ए डिवाइड बाय एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस पी प्लस सी अपॉन कितना हो जाएगा कि एक्स प्लस क्यू, क्लियर है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि जितने डिग्री की इक्वेशन है उतने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हमारे पास आएंगे। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म देखते हैं। यदि हमें ऐसा इंटीग्रेशन गिवन है कि डी एक्स अपॉन यहाँ दे दिया आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और यहाँ आपको दे दिया है जैसे एक्स माइनस क्यू ऐसा दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्यूबिक इक्वेशन है लेकिन अलग टाइप की इक्वेशन है, ठीक है, इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। या इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं या ऐसा भी समझ सकते हैं कि डी एक्स अपॉन ये लिखेंगे अपन कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस ए ले लेते हैं और एक्स माइनस है ना बी ले लेते हैं, इस टाइप की फॉर्म हो तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे वन अपॉन इसी को ले रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू कितना हो जाएगा एक्स माइनस बी को हम लेट करेंगे ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी अपॉन, ठीक है, एक्स माइनस बी, क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हम इसको लेट करके इसको सोल्व कर देंगे, लेट करेंगे इसको और ए बी सी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे और हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म है सिक्स फॉर्म, ठीक है। यहाँ इस फॉर्म को इस तरीके से समझिए, ऊपर भी आपकी सेम पावर है नीचे भी सेम पावर है, यानी कि सेम डिग्री मीन्स ऐसा कह सकते हैं क्या कह सकते हैं इसको, कैसे फॉर्म बनाए, एन डिग्री इक्वेशन इन एन डिग्री डिवाइड बाय इक्वेशन इन एन डिग्री, देन हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, देन वी हैव टू डिवाइड हमें डिवाइड करना होगा, यानी कि ऊपर और नीचे सेम पावर आ जाए, ठीक है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लिया इंटीग्रेशन में, ऐसा आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। देन इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करके इसके इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ बेटा कि हमने इंटीग्रेशन फॉर्म पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन फॉर्म में पहली इंटीग्रेशन फॉर्म कैसी है कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
और नीचे उसके फैक्टर्स दे रखे हों या नहीं दे रखे हों, दे रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखे हो तो हमें उनका फैक्टर करना पड़ेगा और इसको इस फॉर्म में लेट करके इसको सोल्व करेंगे। यदि ऐसी फॉर्म है तो हम ये लेट करेंगे, ऐसी फॉर्म है तो ये लेट करेंगे, ऐसी फॉर्म है तो ये लेट करेंगे, और जो नेक्स्ट फॉर्म है ना, ये फॉर्म होगी तो हम ये लेट करेंगे, ठीक है। ऊपर कुछ भी आ सकता है इसमें, ऊपर क्या आ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन तक आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं वो फॉर्म नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट फॉर्म आ जाती है हमारे पास इक्वेशन इन एन डिग्री, नीचे भी इक्वेशन इन एन डिग्री आ जाती है, सेम पावर आ जाती है, तो हमें क्या करना है उसको डिवाइड करके उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की और बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया एग्जांपल नंबर 11 से। देखिए ये किस फॉर्म का है, फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके फैक्टर दे रखे हैं, तो हम आसानी से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए लेट करेंगे वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू को हम क्या लेट करेंगे, ए डिवाइड बाय एक्स प्लस वन, देन बी डिवाइड बाय एक्स प्लस कितना करेंगे, टू करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे एक्स प्लस वन, और यहाँ पर क्या कर दिया, एक्स प्लस टू, ये हमारा एलसीएम आएगा। इधर भी सेम एलसीएम चलेगा, मतलब एक्स प्लस वन और कितना जाएगा, एक्स प्लस टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स प्लस टू से, और बी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स प्लस वन से। ये पूरा कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, वन इज इक्वल टू ए इंटू कितना हो गया, एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू कितना जाएगा, एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हम पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट करूँगा तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पुट करके देखता हूँ, वन इक्वल टू यहाँ पर कितना, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो बी की वैल्यू आपके पास कितने आ गई, बी विल बी माइनस वन आंसर है, ठीक है। नाउ हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करते हैं तो यहाँ पर तो वन आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, ए, सो ए विल बी कितना आ गया, वन। सो माय इंटीग्रेशन बिकम्स लाइक इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, वन है, तो डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन, और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस, तो डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा कि ये एक्स प्लस टू। सो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस कितना आएगा, सी। इसको लॉग एम माइनस लॉग एन क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू लॉग मोड ऑफ कितना होगा, एक्स प्लस वन अपॉन कितना हो गया, एक्स प्लस टू प्लस कितना आएगा, सी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकता हूँ, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ट है, सिंपल है, इसलिए हमने ये मेथड यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या आ गया, सेम पावर है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर लेते हैं। देखिए डिवाइड किया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन को, किससे डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स से। हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहली वाली टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाए तो वन, तो यहाँ पर हमने वन लिखा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पर आएगा माइनस फाइव एक्स, और ये प्लस सिक्स को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचा, फाइव एक्स माइनस सिक्स। तो देखिए एक चीज़ बताता हूँ कि मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, है ना। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको देखना, यदि हमारे पास टेन आए और हम उसको थ्री से डिवाइड कर रहे हैं, तो थ्री थ्री जाए कितना हो गया, नाइन, और कितना बचा, वन। तो मैं टेन बाई थ्री को क्या लिख सकता हूँ, थ्री प्लस वन अपॉन थ्री लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि डिविडेंड अपॉन डिवाइजर लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चंट है, और जो भी रिमाइंडर डिवाइड बाय क्या जाएगा, डिवाइजर। ये कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं, देखिए इस इंटीग्रेशन को लिखेंगे कि यहाँ पर कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस ये होगा फाइव एक्स माइनस सिक्स अपॉन, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और ये हो गया डी एक्स, क्लियर है।
ठीक है, इसको हम अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा, ये डी एक्स आएगा, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 6 डिवाइड बाय, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये dx आएगा। इसका तो हम x डायरेक्ट लिख पाएंगे, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा हम दिमाग लगाएं, इसके फैक्टर करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, देखिए यहाँ साइड में अपन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक इक्वेशन ले लेते हैं और इसके फैक्टर करते हैं। तो देखो 6 के फैक्टर करेंगे तो 2, 3 आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू 0, देन एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के हम एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 इसके फैक्टर लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन के फैक्टर हमने कर लिए तो फैक्टर हो गए, ठीक है। तो देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसके फैक्टर क्या लिख दिया, इसको तो लिख दिया हमने x प्लस यहाँ पर लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 6, 5x माइनस 6 कैसे लिखा गया ये, तो 5x माइनस कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाय, इसको लिखा मैंने x माइनस 2 और लिखा x माइनस 3। तो देखिए मैंने अभी जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म पढ़ी है, वो किस फॉर्म का है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लेट करेंगे, देखिए लेट करेंगे कि 5x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2 इंटू कितना जाएगा x माइनस 3 को हम लेट कर पाएंगे a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस कितना जाएगा 3। सो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारा x माइनस 2 और ये आएगा x माइनस 3। तो इस एक को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से और b को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस 2 से, और यहाँ पर कितना आएगा 5x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2 और ये आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है। x माइनस 3 से x माइनस 3, x माइनस 2 से x माइनस 2, यहाँ पर कितना आया 5x माइनस 6 इक्वल टू a इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू, ठीक है, x माइनस 2 आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं 3 पुट करते हैं, तो 3 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और यहाँ पर 3 पुट करेंगे 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, तो यहाँ तो आ गया आपका, और इधर करेंगे तो 3 5 जा 15, 15 माइनस कितना हो जाएगा 9, 15 में से 9 गया तो कितना रहेगा, सॉरी 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 रहेगा, तो ये 9 इधर आ गया इज इक्वल टू कितना जाएगा बी, सो बी विल बी कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये जाएगा 10 माइनस 6, तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर कितना आएगा माइनस ए आएगा, सो ए विल बी माइनस 4 आएगा, ए विल बी माइनस 4। नाउ दिस इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन 5x माइनस 6 अपॉन, ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 3 बिकम्स ए की वैल्यू माइनस 4 है ना dx अपॉन कितना होगा x माइनस 2 और प्लस 9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 3, तो यहाँ से आएगा माइनस माइनस 4 कितना आएगा माइनस माइनस 4 log ऑफ mod ऑफ x माइनस 2 प्लस 9 log ऑफ mod ऑफ x माइनस 3। अब यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो मेरा एक्चुअली आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 4 log ऑफ mod ऑफ x माइनस 2 प्लस 9 log ऑफ mod ऑफ x माइनस 3 प्लस c। सो लंबा जरूर है ये क्वेश्चन लेकिन आसान है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस कंसेप्ट को आप पकड़ के रखें, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये अनदर फॉर्म है तो ये भी कर लेते हैं। चलो तो इसमें क्या बताया था मैंने फॉर्म में, इसको हम लेट करेंगे। देखिए लेट किया हमने 3x, आप यदि फॉर्म समझ में नहीं आई तो वापस वीडियो को रिपीट करके देखें, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसको हम लेट करेंगे a डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन b अपॉन कितना है x प्लस 1, देन
सी अपॉन ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा हमारा 3x माइनस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर देन एक्स प्लस थ्री। ठीक है बेटा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और इसको शेयर भी नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है तो देखो, ऐसा आप सोच रहे होंगे कि हमें गरज है, तो बेटा गरज वरज तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, गरज हमें कुछ भी नहीं है, हम आपके लिए वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और आपके फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए आप इसको शेयर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और आपको पता है कि विद्या दान है सबसे बड़ा दान। ठीक है, इसको जितना शेयर करेंगे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चों को लाइक अच्छा, मतलब बच्चों को अच्छा पसंद आ रहा है ये वीडियो, ये जो कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ अच्छा लग रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ फिर क्या होगा, वो सारे यूट्यूबर्स आते हैं थोड़े दिन में वो फुस हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा ना करूं, है ना, तो आप इसको मेरा मोटिवेशन बनाए रखें, बस इतना ही से गुजारिश है आपकी आपसे। तो चलिए इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें x प्लस वन से और यहाँ पर x प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देन b को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए b को ये x प्लस वन ख़त्म हो जाएगा, है ना, x प्लस वन, सॉरी यहाँ पर x प्लस वन थोड़ी ना आएगा, x प्लस वन नहीं आएगा इसमें, यहाँ पर केवल ये आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एक वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये तो इससे ख़त्म हो गया, तो केवल ऊपर थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, ऊपर क्या आएगा, ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ किससे, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ये एक्स प्लस थ्री आएगा, ओनली एक्स प्लस थ्री आएगा यहाँ पर। ठीक है, और b के अंदर देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा, तो यहाँ x प्लस वन और x प्लस थ्री दोनों आएंगे, वैल्यू गलत हो जाएगी बेटा। तो देन क्या हो जाएगा, c के यहाँ पर आएगा हमारा x प्लस वन का होल स्क्वायर। देखो इसको सोल्व करना नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ, जो भी आप एलसीएम लेंगे इसके डिनोमेटर से डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन के होल स्क्वायर से ख़त्म, ये बचा x प्लस थ्री, a से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक x प्लस वन तो ख़त्म हो गया, एक x प्लस वन और x प्लस थ्री बचेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सी वाले में x प्लस थ्री को इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस वन का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये देखिए पूरा का पूरा कैंसल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पर बचा हमारा 3x माइनस टू इज इक्वल टू, ठीक है, ये a इंटू एक्स प्लस थ्री बचा, देन b के साथ हम लिख सकते हैं x प्लस वन और x प्लस थ्री बचा, देन प्लस c के साथ क्या बचेगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखते हैं x की वैल्यू हम पुट करते हैं माइनस थ्री, तो ये पूरी टर्म जीरो, ये पूरी टर्म सी की वैल्यू निकल जाएगी, तो माइनस थ्री पुट करेंगे तो नाइन माइनस माइनस टू कितना है, माइनस इलेवन यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से कितना आएगा, इलेवन यहाँ से आएगा इक्वल टू, देखिए ये पूरा जीरो, यहाँ पर थ्री पुट करेंगे तो माइनस टू का होल स्क्वायर तो फोर सी आएगा, तो यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस इलेवन बाय फोर, ये आंसर। ठीक है, c की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, तो माइनस वन पुट करेंगे तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो हमें a मिल जाएगा। माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस फाइव तो यहाँ से आएगा, यहाँ पर टू ए, सो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस फाइव अपॉन टू। ठीक है, देन एक और हम पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू माइनस थ्री पुट कर, माइनस थ्री पुट कर दिया, और कुछ पुट कर सकते हैं क्या, कुछ भी नहीं पुट कर सकते, हम जीरो पुट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू वैसे तो कंपैरिजन से भी कर सकते हैं, और कंपैरिजन टफ पड़ रहा हो तो आप ये एक्स की वैल्यू जीरो पुट करके कर सकते हैं, तो मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस टू, यहाँ से थ्री ए आएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से भी थ्री बी आएगा, ये जीरो ये जीरो, तो वन यहाँ से बचेगा, थ्री वहाँ से बचेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना जाएगा, सी बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या है, ए और सी की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू निकालनी है, आसानी से निकाल सकते हैं, माइनस टू इक्वल टू। ठीक है, माइनस, तो इससे अच्छा क्या है, आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करते तो बहुत आसान हो जाता। देखो इसमें कितने वर्ड आ रहे हैं, तीन वैल्यू आ रही है, इसको सोल्व करते हैं तो थोड़ा टफ पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कंपेरिजन कर लेता हूँ, कंपेरिजन से बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कंपेयरिंग बताया हुआ मैंने, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशेंट ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो कुछ भी नहीं आएगा, जीरो, इधर कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ कंपैरिजन करेंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स का तो एक्स स्क्वायर का तो बी आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, सी आएगा। तो बी की वैल्यू जस्ट नेगेटिव है सी की, तो यह आ जाएगा बी की वैल्यू आपके पास 11/4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे ए बी सी और इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए की वैल्यू हमारे पास -π/2 के बराबर, तो -π/2 और इंटीग्रेशन ऑफ हमने लिखा x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देन बी कितना है, बी आपके पास 11/4 है, तो 11/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन लिख दिया हमने x+1। और सी की वैल्यू कितनी है, -11/4 dx अपॉन हम लिख सकते हैं x+3। तो देखिए 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ये पूरा इंटीग्रेशन i = -±5/2 और ये आ जाएगा 1/, ये x+1 आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए +11/4 और log ऑफ कितना आएगा, मोड ऑफ x+1 आएगा, फिर -11/4 log ऑफ मोड ऑफ x+3 आएगा, प्लस सी लगाएंगे। देखिए इन दोनों में 11/4 कॉमन लेके हमारा फाइनल आंसर जो है वो 5/2 x+1 देन 11/4 log ऑफ मोड ऑफ x+1/x+3 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छी फॉर्म का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसी का आगे वाला पार्ट है, लेकिन देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे x²+1 x²+4 है, तो यहाँ पर ऊपर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चार कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स आएंगे, वो बहुत मुश्किल होगा उनको सोल्व करने के लिए। तो इसमें कुछ अलग स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, अलग स्ट्रेटजी ये अप्लाई करते हैं कि हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। पुट क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम वाई पुट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा देखिए इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया हमारा वाई, वो ये डी एक्स ही रहेगा, देन कितना हो जाएगा, ये वाई प्लस वन आ गया, यहाँ पर वाई प्लस कितना जाएगा, फोर आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को हमने वाई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि वाई अपॉन वाई प्लस वन देन वाई प्लस फोर को हम लेट कर सकते हैं ए अपॉन वाई प्लस वन प्लस बी अपॉन कितना कर सकते हैं, वाई प्लस फोर। अब इतना कर लिया है तो हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए वाई इज इक्वल टू ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाई प्लस फोर से, और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाई प्लस वन से। कैसे, वही एलसीएम ले लवा के सोल्व करेंगे। ठीक है, अब वाई की वैल्यू यदि मैं -1 पुट कर लेता हूँ तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। यहाँ पर -1 = -1 पुट करूँगा तो 3a, सो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -1/3 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू मैं यदि -4 पुट करता हूँ तो यह -4 आएगा, और ये तो पूरा जीरो, यहाँ पर कितना आएगा, -3 भी आएगा, -3 भी। ठीक है, देखो -4 पुट करूँगा तो -4+1 -3, तो माइनस कितना आ जाएगा, -3 भी आएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4/3 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, कोई इश्यू है क्या, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन वो कैसे बन गया, देखिए इंटीग्रेशन तो ऊपर dx ही रहेगा, a की वैल्यू हमारे पास -1/3 है, तो -1/3 लिखूंगा मैं, तो यहाँ थोड़ी जगह कम है तो मैं इधर लिख देता हूँ, तो -1/3 लिखा, और यहाँ पर आएगा देखिए y+1, और यहाँ पर कितना आएगा, 4/3, और dx अपॉन हमने लिखा y+4। ठीक है, अब देखिए ऊपर तो इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, वेरिएबल तो y है, तो जब तक ये y चेंज नहीं होगा x में तब तक इंटीग्रेशन आप कर नहीं सकते हैं। तो y की वैल्यू पुट कर लो वापस, तो y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो -1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन ये हो गया x स्क्वायर, है ना, ये हो गया हमारा x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया 1, देन 4/3 यहाँ पर भी हम लिखेंगे dx अपॉन, यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, टेन इनवर्स का फॉर्मूला है। तो देखिए हमारा आएगा आंसर -1/3 लिखा और टेन इनवर्स एक्स लिख दिया, प्लस 4/3 और टेन इनवर्स में 1/a आता है तो 1/2, और ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, x/2+c। इसका फाइनल आंसर हम देखें तो -1/3 टेन इनवर्स एक्स प्लस, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 और टेन इनवर्स कितना आ जाएगा x/2+c। दिस इज़ माई करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, हम इसको लेट करके इजी वे में पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर सोल्व कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, फिर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चलिए, और फिर हमने लास्ट क्या लिया है, लास्ट ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी फॉर्म्स मैं बता दूंगा, उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करें, देखिए सिंपल सा दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। हम क्या करेंगे, साइन फाई की वैल्यू हम टी पुट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा कॉस फाई और डी फाई इज इक्वल टू कितना आएगा डी टी। सो हमारा इंटीग्रेशन बन गया कितना, 3t-2dt अपॉन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन की जगह तो मैं लिख दूंगा, लेकिन ये तो कॉस स्क्वायर आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर देखिए 5 तो मैंने यहाँ लिख दिया, और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1-sin²5 लिख सकता हूँ, और -4t लिख दूंगा। तो एक और स्टेप में हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो 3t-2 और ऊपर आएगा हमारा dt, ये हो गया 5-5 और प्लस, सॉरी 5-1 आएगा ना, 5-1 और प्लस कितना जाएगा, इसको लिख देंगे t² माइनस कितना जाएगा 4t। और जो हमारा इंटीग्रेशन है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद बन गया है 3t-2 और dt अपॉन ये कितना आएगा t² हमने यहाँ लिखा, -4t यहाँ लिखा, और कितना जाएगा +4 यहाँ लिखा, ठीक है। तो ये तो आसानी से हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम लिख सकते हैं कि 3t-2 और dt ये किसका होल स्क्वायर है, ये तो x-2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तो फॉर्म है हमारे पास, तो इसको क्या लेट कर लेंगे, देखिए लेट करते हैं हम 3t-x कहाँ से आ गया भाई, यहाँ तो टी है, टी चल रहा है, तो टी माइनस कितना आएगा 2 का होल स्क्वायर, आदत पड़ी हुई ना x लिखने की, तो इससे दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हम लिखेंगे, पुट करेंगे 3t-2 अपॉन यहाँ पर t-2 का होल स्क्वायर को हम लेट करेंगे a अपॉन t-1 का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन t-1। तो देखिए इसका एलसीएम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 3t-2 और यहाँ पर आ जाएगा देखिए a ओनली, ठीक है, क्योंकि एलसीएम तो आएगा t-1 का होल स्क्वायर, और इसको करना पड़ेगा b को t-1 के साथ मल्टीप्लाइड, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर t की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 1, और यहाँ तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो यहाँ तो a ही रहेगा और ये पूरा 0, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ठीक है। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो कंपेरिजन कर लो, कॉफिशियंट ऑफ t का कॉफिशियंट का कंपेरिजन कर लेंगे, तो यहाँ तो 3 आ गया, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ b आ गया, सो b की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो देखिए ये इंटीग्रेशन कैसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो ये dt अपॉन कितना हो गया t-1 का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस कितना आ जाएगा 3, और dt अपॉन कितना हो गया t-1 हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा -1 अपॉन t-1, ठीक है, प्लस कितना जाएगा 3,
log of mod of t minus 1 plus c, और यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें क्योंकि हम तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व किए हैं। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, साइन फाई है, तो एग्जैक्ट मेरा आंसर आएगा, मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ठीक है, ये i इज इक्वल टू ये आएगा माइनस 1 अपॉन साइन फाई माइनस 1 प्लस 3 लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन फाई माइनस 1 प्लस कितना आ जाएगा सी, दिस इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और बचा हुआ एग्जांपल उसको कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से जो कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा, ठीक है, अदरवाइज सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसमें हम कैसे लेट करेंगे, देखिए इसको हम लेट करते तो ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे क्यूबिक इक्वेशन है, सो हम लेट करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लेट करेंगे ए डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 देन बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए एलसीएम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और इस पूरे बी एक्स प्लस सी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें एक्स प्लस 2 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं शायद, है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये तो जीरो किसी हालत में नहीं होने वाला है, तो हम क्या करेंगे एक बार एक्स की वैल्यू माइनस 2 पुट कर लेते हैं, माइनस 2 पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, ए की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, वो पूरा जीरो माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 तो 5 ए यहाँ से आ गया, सो मेरा ए कितना आएगा, देखिए ये 5 माइनस 2 तो 3, तो ए की वैल्यू आपके पास 3/5, ठीक है 3/5 हमारा ए आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, वापिस चेक कर लेते हैं, 5 माइनस 2 तो कितना जाएगा 3/5 करेक्ट आंसर। अब हम क्या करते हैं कि एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर लेते हैं, ठीक है एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने से कुछ मिल जाएगा, देखिए एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा हमारा 1, इधर देखिए यहाँ पर कितना जाएगा ए, ये जीरो तो यहाँ पर 2c आएगा, 2c तो हमें c की वैल्यू निकालने के लिए, तो देखिए 2c की वैल्यू आपके पास 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी 3/5, सो यहाँ पर 2c इज इक्वल टू 5 माइनस 3 तो 2/5, तो यहाँ पर c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/5, बहुत इजी वे में c की वैल्यू हमने निकाल दी। अब कंपेरिजन कर लेंगे, अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट कंपेरिजन कर लेते हैं, तो यहाँ तो आएगा 1, यहाँ पर आएगा हमारा a, और यहाँ पर आएगा देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस b, ठीक है तो जो a की वैल्यू है वो तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस कितना जाएगा 3/5 इज इक्वल टू ये होगा b, सो b विल बी कितना हो गया, b will be कितना जाएगा 5 माइनस 3 तो 2/5, सो ये 2/5 b की वैल्यू आ गई। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखो यहाँ तो पुट कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपके पास 3/5, तो 3/5 यहाँ लिखा dx अपॉन ये हो गया x प्लस 2, ठीक है देन यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ b की वैल्यू आपके पास 2/5 तो 2/5x, ठीक है 2/5 ये लिखा हमने 2/5 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 1/5 है तो ये 1/5 डिवाइड बाय हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx, तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा, देखिए यहाँ तो आ गया 3/5 लॉग ऑफ मोड ऑफ कितना जाएगा x प्लस 2, यहाँ पर हम अलग अलग करेंगे तो ये 2/5 यहाँ आएगा
और यहाँ x और dx अपॉन कितना जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, देन 1 बाई 5 बाहर आएगा और ये हो जाएगा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये इसको t पुट करेंगे तो 2x dx dt बन जाएगा, तो dt अपॉन t आ जाएगा, log t बन जाएगा और इधर tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा। तो मेरा आंसर आएगा देखिए यहाँ पर 3 बाय 5 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 2, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 अपॉन 5 log ऑफ मोड ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर आएगा 1 बाय 5 और ये होगा tan इनवर्स x, दिस इज़ माई फाइनल आंसर। और प्लस सी लगा देंगे, प्लस सी तो लगाना ज़रूरी है तो प्लस सी लगा दिया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, और पार्शियल फ्रैक्शन में जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं उनमें कहीं पर भी रूट नहीं देखा है, तो हमें यह अंदाज़ा लगाना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिक्स आते हैं, हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जब टीचर पढ़ाता है उस समय ध्यान से सुने, और मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, उसको ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो एक चीज़ बढ़िया समझ में आई इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में कि रूट वाले क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं होते, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म से करना पड़ता है, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। गरज वाली कोई बात नहीं है बेटा, अपनत्व से मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को शेयर और लाइक और बेल आइकन को दबाएं और इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, एक्सरसाइज लेके आऊँगा मैं, 7.5 के क्वेश्चंस करवाऊँगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो करवाऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।